हेलो बच्चों, माय सेल्फ रघुराज सिंह। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो बिना कोई टाइम बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं टू डायमेंशनल मोशन। ठीक, हेडिंग लगा लीजिए टू डायमेंशनल मोशन। ठीक, देखो जैसे मान लीजिए अभी मैं कोई भी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस नहीं बनाता हूं। जैसे ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है, मान लो बोर्ड के प्लेन में मूव कर रहा है, ये बोर्ड के प्लेन में ही जो भी इसकी वेलोसिटी अभी, एक ये पार्टिकल मूव कर रहा है इस तरीके से, इस रास्ते पे जा रहा है। तो बताइए ये कैसा मोशन है? ये वन डायमेंशनल मोशन। दिस इज वन डायमेंशनल मोशन। ठीक, ये भी कैसा है? वन डी मोशन। और अभी तक हम यही लोग पढ़ रहे थे, जितने भी ग्राफ हमने सीखे, जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए, सब वन डी मोशन के किए। तो यही वाले केसेस हमने किए, पर ध्यान रखना, क्लियर है? लेकिन अगर जैसे अगर इसी में पार्टिकल भले ही ये जा रहा है, पार्टिकल भले ही ये जा रहा है इधर, लेकिन मैंने अगर मान लिया एक्स एक्सेस इधर ले लिया और वाई एक्सेस इधर ले लिया, तो यहां पर क्या होगा? जैसे जैसे पार्टिकल मूव करेगा v की वेलोसिटी से, तो यहां पर इसके x और y कोऑर्डिनेट दोनों बदलेंगे। तो हम ये कहेंगे x और y में ये एक टू डायमेंशनल मोशन है। तो देखिए इसका जो मोशन होगा, मोशन ऑफ दिस पार्टिकल इज 2d इन x एंड y, इन x एंड y। तो एक्स वाई में ये 2D मोशन है। अच्छा, वैसे अगर हमसे कोई पूछे कि भाई ये 1D मोशन है कि 2D मोशन है, तो एक्चुअली में इस लाइन के लिए तो ये 1D मोशन है, पर क्योंकि इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहे हैं, इसलिए इसको 2D मोशन कहेंगे फॉर एक्स एंड वाई। ठीक, तो इट इज 2D मोशन फॉर एक्स एंड वाई, ऑल्दो एब्सोल्युटली इट इज वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, जैसे देखिए जैसे मान लीजिए ये होती है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस होती है, या एक मिनट इसको ऐसे छोड़ो। अगर मान लो पार्टिकल ऐसे मूव करे इस तरीके से, तो अब आप कोई सा भी एक्सिस ले लो, ये किसी के लिए भी, किसी भी एक्सिस के लिए ये 1D मोशन नहीं है, इट इज 2D मोशन फॉर ऑल एक्सिस। ये कैसा है? इट इज 2D मोशन फॉर एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस के लिए ये एक 2D मोशन है। पर अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के ऊपर चलता है, तो कुछ एक्सिस के लिए वो 2D मोशन होता है और कुछ एक्सिस के लिए 1D मोशन होता है। जैसे आप कहेंगे सर ये बात क्लियर नहीं हुई, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं। देखो अगर आप ऐसे सोचते इसको, अगर आप इसको ऐसे सोचते, जैसे मान लीजिए यही है, मान लीजिए ये, तो अब आप इसको जनरली किसी भी स्टूडेंट से पूछो तो ये कहेगा 1D मोशन है। तो 1D मोशन है भी, तो अगर मान लिया एक्स एक्सिस में इधर ले लेता हूं और वाई एक्सिस इधर ले लेता हूं, तो ये 100% इसके लिए कैसा मोशन है? 1D मोशन। ठीक है, लेकिन मान लीजिए मैंने एक एक्सिस ऐसे ले ली होती कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई इधर ले लिया होता, तो देखिए अगर पार्टिकल इधर मूव करेगा तो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के लिए, तो इसका केवल एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, तो ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में कैसा होगा? 1D मोशन होगा। तो पहला पॉइंट लिखता हूं, इट इज 1D मोशन फॉर स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई, लेकिन अगर कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में बात करो तो ये 2D मोशन हो जाएगा। इट इज 2D मोशन फॉर कैपिटल एन एंड कैपिटल वाई, क्योंकि कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में इसके दोनों कोऑर्डिनेट चेंज कर रहे होंगे एक साथ। तो असल में 2D मोशन क्या होता है? जब कोई पार्टिकल किसी प्लेन में मूव करता है और उसके दोनों कोऑर्डिनेट चेंज करते हैं, तो ऐसा मोशन क्या कहलाता है? टू डायमेंशनल मोशन कहलाता है। तो फिर इसको मैं डिफाइन करता हूं, ठीक है, डिफाइन करता हूं। डिफाइन करते हैं फिर, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल
मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन अ प्लेन, इन अ प्लेन सच दैट, सच दैट इट्स बोथ कोऑर्डिनेट्स, बोथ कोऑर्डिनेट्स चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, देन मोशन इज कॉल्ड 2D मोशन। तो फिर मोशन कैसा कहलाता है? 2D मोशन कहलाता है, ठीक है। तो द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए प्लेन सच दैट इट्स बोथ कोऑर्डिनेट चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, देन मोशन इज कॉल्ड 2D मोशन। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? 2D मोशन कहते हैं। अब देखिए जरा, यहां तक फंडे क्लियर? हटाएं। अब देखो, अब जरा ध्यान से देखना। फॉर 1D मोशन, 1D मोशन के लिए हम लोग क्या करते थे, याद करो। जैसे मान लो पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा, मान लो इधर मूव कर रहा है, और मान लिए मैंने इधर स्मॉल एक्स एक्सिस ले लिया, मान लो इधर एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब मान लिए ये यहां पर एक्स इक्वल टू जीरो, और यहां पर आ गया एक्स इक्वल टू एक्स, और पार्टिकल के पास एक्सीलरेशन है, यहां पर इसके पास वेलोसिटी है। तो बताइए वी को क्या लिखते थे? dx/dt लिखते थे, ठीक। ए को क्या लिखते थे? dv/dt लिखते थे। ये इस डायरेक्शन के लिए, ओके, इस डायरेक्शन के लिए, ठीक है, इस डायरेक्शन के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए इसी मोशन के लिए, मान लो वेलोसिटी इधर है, और मान लीजिए मैंने एक्स एक्सिस इधर ले लिया, वाई एक्सिस इधर ले लिया, और अब मुझे अब इस एक्स एक्स इस एक्स और इस वाई के लिए इसके मोशन को विजुलाइज करना है। तो इस एक्स और इस वाई में मोशन कैसा है? एक 2D मोशन है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके इस मोशन के दो कंपोनेंट कर लेते हैं, एक अलोंग दिस एक्सिस और एक अलोंग दिस एक्सिस। तो बताइए इसकी जो वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में कितनी होगी? बताइए वी कॉस थीटा होगी, और इस डायरेक्शन में क्या होगी? बताइए वी साइन थीटा होगी। तो इस अलोंग द एक्स एक्सिस वाले मोशन को हम इंडिपेंडेंट देखते हैं, और वाई एक्सिस वाले मोशन को इंडिपेंडेंट देखते हैं। इसको क्यों देख पाते हैं, इसका भी उत्तर देता हूं। अब मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? मान लो एक्स है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? वाई है। तो बताइए अब की बार क्या होगा? जो dx/dt होगा, एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट का रेट चेंज है, वो किसके बराबर होगा? बताइए वी कॉस थीटा के बराबर होगा। इसी तरीके से dy/dt किसके बराबर होगा? वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट का रेट चेंज है, वो किसके बराबर होगा? बताइए वी साइन थीटा के बराबर होगा। तो हम इस तरीके से इक्वेशन लिख देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से एक्सीलरेशन के लिए लिख लेंगे। इतना जरा पॉज करके उतार लो। देखो, तो मैंने आपको ये बात बताई, अगर आपने एक्स एक्सिस ये ले लिया, पार्टिकल वही है, तो अगर इस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, तो वी को क्या लिखेंगे? dx/dt, और ए को क्या लिखेंगे? dv/dt। पर मान लीजिए पार्टिकल ऐसे जा रहा है, और आपने एक्स एक्सिस इधर ले लिया और वाई एक्सिस इधर ले लिया, तो हम क्या करते हैं? इसके कंपोनेंट कर लेते हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन का जो रेट ऑफ चेंज है, वो dx/dt वो वी कॉस थीटा के बराबर होगा, और वर्टिकल के लिए dy/dt वो वी साइन थीटा के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरीके से बिल्कुल एक्सीलरेशन के लिए करते हैं। मत जगह नहीं थी इसलिए मैंने उसमें बनाया नहीं है। अगर एक्सीलरेशन होता इसी तरीके से, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, अब मान लिए पार्टिकल के पास इधर कोई भी एक्सीलरेशन है, और मान लिए अब यहां से एंगल थीटा बन रहा है, पार्टिकल के पास इधर एक्सीलरेशन है, यहां से मान लीजिए एंगल थीटा बन रहा है, ठीक, क्लियर। तो देखिए यहां से मान लीजिए ये दूरी यहां से एक्स है, ध्यान से देखना, और ये दूरी वाई है। तो एक्सीलरेशन इधर है, अब मान लो वेलोसिटी जो भी हो, तो या चलो एक्सीलरेशन इधर है, वेलोसिटी मान लें कहीं, मान लो चलो वेलोसिटी ये है, ठीक है, वेलोसिटी ये है,
ठीक है। अब देख, ध्यान से देखना, इसके मैं दो कंपोनेंट बनाता हूँ, इसके मैं दो कंपोनेंट बनाता हूँ, मान लीजिए ये थीटा है और वेलोसिटी का एंगल यहाँ से अल्फा बन रहा है, तो जरा दो में इसको कन्वर्ट कर लो, इजीली हो जाएगा आपके लिए। इसको वाई एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी वाई, दो डायग्राम हम इसलिए दिखा रहे हैं थोड़ा सा कंपोनेंट करने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो पहले हम एक्सीलरेशन के दिखा देते हैं, ए इधर है और एक्सीलरेशन का जो एंगल बना है वो थीटा बना है, तो इधर हो जाएगा ए साइन थीटा और इधर हो जाएगा ये ए कॉस थीटा, और जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, यहाँ से जो एंगल बन रहा था वो अल्फा बन रहा था, तो इधर हो जाएगा वी साइन अल्फा और इधर हो जाएगा v cos अल्फा। तो देखिए, और अगर यहाँ से मान लिए ये x है, ये x है y है, तो उसी तरीके से पहली इक्वेशन अगर वेलोसिटी की लिखोगे तो v sin अल्फा इक्वल टू लिखा जाएगा dx एक्स वाई डी टी, ये थोड़ी मैथमेटिक्स हैं, इसको देख लो। और v cos अल्फा इक्वल टू लिखा जाएगा क्या बताइए, dy वाई बाई डी टी, ठीक है। अब आपको एक्सीलेशन लिखना है थर्ड इक्वेशन, तो a साइन थीटा इक्वल टू x डायरेक्शन का एक्सीलरेशन, तो x डायरेक्शन का एक्सीलरेशन लिखा जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस, तो ये लिखा जाएगा d अपॉन dt ऑफ v साइन अल्फा, ठीक। इसी तरीके से a cos थीटा मतलब वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग द वर्टिकल, तो ये लिखा जाएगा बच्चों d अपॉन डी टी ऑफ वी कॉस अल्फा। प्लीज ध्यान से देख लीजिए, इस तरह से इक्वेशन लिखे जाएंगे। तो ये 2D मोशन के लिए बेसिक इक्वेशन आपको सिखा रहे हैं, अभी 2D मोशन स्टार्ट किया है, तो ये इक्वेशन इस तरीके से लिखे जाएंगे। क्लियर हुआ, ये इक्वेशन इस तरीके से लिखे जाएंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल देते हैं, जरा आप इक्वेशन लिख के देख लीजिए, पॉज करके तुरंत उतारो। एक एग्जाम्पल देते हैं, आप इक्वेशन इसके लिख के देखो, पहले इक्वेशन आप इसके इक्वेशन लिख के देखो, जैसे ये है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब मान लीजिए मैं यहां पर एक पार्टिकल लिया, मान लीजिए इस समय यहां यहाँ पर पार्टिकल है, मान लो वेलोसिटी इधर है और एक्सीलरेशन इधर है, ठीक। यहाँ से जो एंगल हैं दिए हुए हैं, ये मान लो यहाँ से 37 डिग्री दिया हुआ है और ये एंगल इसका 53 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है, राइट डिफरेंशियल इक्वेशन, और मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट यहाँ से ये वाई है और ये एक्स है, तो राइट डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर द मोशन पैरामीटर्स, मोशन पैरामीटर्स के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने हैं, मोशन के पैरामीटर्स के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने हैं, पहले ये सीख लो लिखना, ठीक है। मोशन के पैरामीटर के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने हैं, ठीक है, समझाएं आपको जरा। देखो थोड़ी देर में तो एकदम स्पीड में लिखने ही लगोगे, लेकिन पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना सीख लो यार, इसी में बहुत लोग फंस जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी शुरुआत में आसानी से समझाने के लिए एक्स डायरेक्शन में को वाई डायरेक्शन को मैं अलग अलग फोटो में बना लेता हूँ, एक वेलोसिटी के लिए और एक एक्सीलरेशन के लिए, ठीक है। तो देखो एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, मान लो ये एक्स है ये वाई है, तो पहले मैं वेलोसिटी के लिए बना रहा हूँ, तो वेलोसिटी देखिए इधर है, यहाँ से एंगल कितना है इसका 37 डिग्री, ठीक। ये दूरी यहाँ से कितनी है x, ये दूरी कितनी है यहाँ से y, तो ये कंपोनेंट कितना होगा v साइन 37 और ये कंपोनेंट होगा v cos 37। फिर इसी तरीके से आप एक्सीलरेशन के लिए बना लीजिए, ये x ये y, जो एक्सीलरेशन था वो इधर था और यहाँ से एंगल था बच्चों 53 डिग्री,
तो ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा ए कॉस, इतना सब पढ़ा चुका हूँ आपको, कॉस 53, और ये कंपोनेंट होगा ए साइन 53। क्लियर। अब आपको इक्वेशंस लिखने हैं, तो इक्वेशंस इधर लिख देते हैं, इसको हटा के देखिए। पहली इक्वेशन मान लो वेलोसिटी के लिए लिखते हैं, तो बताइए वी साइन 37 इसको किसके बराबर लिखेंगे, डी एक्स वाई डी टी। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन वर्टिकल की वेलोसिटी, बताइए वी कॉस 37 इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी टी। थर्ड इक्वेशन बताइए एक्सीलरेशन की, बताइए ए साइन 53 इक्वल टू क्या लिखेंगे, बताइए डी वी एक्स अपॉन डी टी। इसको मैं क्या कह रहा हूँ बताइए, इसको मैं कह रहा हूँ वी एक्स, इसको मैं क्या कह रहा हूँ बताइए वी वाई। क्लियर हुआ। और फोर्थ इक्वेशन बताइए ए कॉस 53 बराबर क्या लिखेंगे, बताइए डी वी वाई डी टी लिखेंगे। ये इक्वेशन इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। क्लियर हुआ। ये इक्वेशन पहले आपको लिखना आना चाहिए कि अगर 2D में मोशन हो रहा है तो उसके डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से लिखे जाते हैं, पहले इतना क्लियर कर लो जरा कायदे से। ठीक है, चलिए हटा दें, पॉज करके उतार लीजिए। ये इक्वेशन लिखना अब आप लोगों को आ गया यार, ये काफी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है, ये इक्वेशन लिखना पहले आ जाना चाहिए। और अगर ये इक्वेशन लिखना आ गया अब आपको, तो सुनिए, अब सबसे पहले बात आती है कि बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एक वेक्टर के आप एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में ही कंपोनेंट क्यों करते हैं, तो ऐसा नहीं है। पहले मैं आपको समझाता हूँ, जैसे ये कोई वेक्टर है तो इसके कंपोनेंट तो आप कैसे भी कर सकते हैं, मान लो ये आपका थीटा वन है और ये थीटा टू है, यहाँ से एंगल, तो इधर इसका कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा वन और इधर होगा ए कॉस थीटा टू, ए कॉस थीटा टी होगा। ठीक है, इसका कंपोनेंट ये होगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर आप ये कंपोनेंट्स के कर लोगे तो यहां पर आप इस ए वेक्टर को ये नहीं लिख पाओगे कि ए कॉस थीटा वन, ये मान लो कोई भी डायरेक्शन है, मान लो या इसको वेक्टर में लिखते हैं, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर नहीं लिख पाओगे, ये वेक्टर नहीं लिख पाएंगे। लेकिन अगर, लेकिन अगर आपने इस वेक्टर के ये ऐसे कंपोनेंट किए जिसको हम रेक्टेंगुलर कहते हैं, जिसके इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो अगर ये मान लीजिए थीटा बने और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, कर लो इसको, इसको ये कर लो, ये थीटा कर लो इसको, ये थीटा, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा और ये हो जाएगा ए साइन थीटा। तो यहाँ पर इस ए वेक्टर को हम ये एक्सप्रेस कर पाएंगे, ए कॉस थीटा वेक्टर प्लस ए साइन थीटा वेक्टर, ये एक्सप्रेस कर पाएंगे, ये एक्सप्रेस कर पाएंगे, यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। मतलब ये जो वेक्टर होगा इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं होगा, लेकिन इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। ठीक है, और इसका दूसरा कारण ये होता है कि जब हम किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर लेते हैं, जब किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर लेते हैं किसी वेक्टर के, जैसे एक ये वेक्टर है और अगर मैंने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर लिए ए एक्स और इधर कर लिए ए वाई, तो यहां पर क्या होता है कि ए एक्स का कोई, ए एक्स और ए वाई दोनों मोशन इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब ए एक्स का कोई भी असर ए वाई में नहीं होता है और ए वाई का कोई भी असर ए एक्स में नहीं होता है। इसलिए जब भी हम टू डायमेंशनल मोशन या थ्री डायमेंशनल मोशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, हमेशा उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ही करते हैं, क्योंकि अब एक्स डायरेक्शन का मोशन वाई डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होगा और वाई डायरेक्शन का मोशन एक्स डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होगा। अगर इसके अलावा किसी और एंगल पर कंपोनेंट करते तो फिर वो मोशन इंडिपेंडेंट नहीं आते। ठीक है, इसलिए हम हमेशा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ही करते हैं। ठीक है, इतना जरा पॉज करके उतार लीजिए, इतना पॉज करके उतार लीजिए। हटाएं, चलिए
अब देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब मान लीजिए एक पार्टिकल यहां से चला, इस तरीके से चला। अब मान लीजिए किसी भी समय इसकी जो भी वेलोसिटी हो, जैसे यहां से चला वी वन से, यहां पर जाके मान लीजिए इसकी वेलोसिटी हो गई वी टू, यहां पर जाके इसकी वेलोसिटी हो गई वी थ्री। अभी मैं वेलोसिटी समझा देता हूं अब आपको। अब देखिए, अगर मुझे इसका एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में मोशन तीनों पॉइंट पर विजुलाइज करना है, ए बी और सी, तीनों पॉइंट पर मुझे विजुलाइज करना है, तो देखिए हम क्या करते हैं। यहां से देखना, मैं इधर से रेज डालते हैं, इधर से रेज और इधर से रेज डालते हैं, इसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर आप इसके मोशन को एक्स डायरेक्शन में देखना चाहते हैं, तो जो समझाया, तो आप यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरह से लाइन खींच दिया करो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक तरह से ये। अब मान लीजिए यहां से एंगल ये थीटा वन है, तो इधर जो कंपोनेंट होगा वो होगा वी वन कॉस थीटा वन, इधर जो कंपोनेंट होगा वो होगा वी वन साइन थीटा वन। इसी तरीके से यहां पर आ जाइए जरा, अगर ये एंगल यहां पर जाके थीटा टू है, तो ये कंपोनेंट होगा वी टू कॉस थीटा टू और ये कंपोनेंट होगा वी टू साइन थीटा टू। यहां पर आ जाइए इसी तरीके से, अगर ये एंगल मान लो थीटा थ्री है, तो ये कंपोनेंट होगा वी थ्री कॉस थीटा थ्री और इधर होगा वी थ्री साइन थीटा थ्री। क्लियर हुआ? अब देखिए, अगर मुझे एक्स डायरेक्शन में इस समय बताना है कि भाई इसके मोशन के क्या हालचाल हैं, तो बताइए एक्स डायरेक्शन में जो शैडो आएगा वेलोसिटी का, ये कंपोनेंट तो आएगा नहीं, सिर्फ यही कंपोनेंट आएगा, क्योंकि ये कंपोनेंट तो इसका शैडो होगा, तो ये जो कंपोनेंट होगा इधर, बताइए इस समय कितने से मूव कर रहा होगा, ये मूव कर रहा होगा वी वन कॉस थीटा वन। और अगर इस कंपोनेंट की बात करें, तो यहां पर यह कितना आएगा बताइए, यह आएगा वी वन साइन थीटा वन। इसी तरीके से जब आप यहां पर आ जाओगे, ये तो ये कंपोनेंट यहां पर आपको दिखेगा, क्योंकि जब आप ऊपर से सनरेज डालोगे या लाइट डालोगे, तो यार आपको इसका शेडो नहीं दिखाई देगा ना, इसी का तो दिखाई देगा। तो यहां पर ये कितना आएगा बताइए, ये आएगा वी टू कॉस थीटा टू, और ये कंपोनेंट यहां पर कितना जाएगा जरा बताओ, यहां पर जाएगा वी टू साइन थीटा टू। क्लियर? इसी तरीके से यहां पर आ जाओ, ये जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, बताइए कितना जा रहा होगा, अब तो आपको आ गया होगा, ये आएगा वी थ्री साइन थीटा थ्री, और यहां पर ये कितना जाएगा, ये जो यहां पर जाएगा, ये जाएगा आपका वी थ्री साइन थीटा थ्री। इस तरह से ये पार्टिकल टू डायमेंशन में मूव कर रहा था, तो हमने इसको ईजी करने के लिए इसका इधर से सनरेज डाल के ये वाला मोशन विजुअलाइज कर लिया, और इधर से सनरेज डाल के ये वाला कंपोनेंट विजुलाइज कर लिया। तो देखिए, जैसे अभी मैंने बताया था कि कोई भी वेक्टर होता है, उसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं, एक अलोंग द एक्स एक्सिस, एक अलोंग द वाई एक्सिस, तो अब की बार हमने पूरे मोशन के दो कंपोनेंट कर दिए, एक मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस और एक मोशन अलोंग द वाई एक्सिस। तो इस पार्टिकल का ये मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस है, और इसी पार्टिकल का ये मोशन अलोंग द वाई एक्सिस है, और जब मैं इस पूरे मोशन को और इस पूरे मोशन को जोड़ दूंगा, तो मुझे ये मोशन मिल जाएगा। तो एक तरह से 2D का मोशन मैंने दो इंडिपेंडेंट 1D मोशन में ब्रेक कर दिया। शब्द पर ध्यान देना, 2D मोशन मैंने, 2D मोशन मैंने दो इंडिपेंडेंट 1D मोशन में ब्रेक कर दिया, क्योंकि अलोंग द एक्स एक्सिस मोशन और अलोंग द वाई एक्सिस मोशन दोनों कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, दोनों मोशन इंडिपेंडेंट होंगे। क्लियर हुआ? दोनों मोशन इंडिपेंडेंट होंगे। इस तरह से हम इसके कंपोनेंट कर देते हैं। इतना उतारिए पॉज करके। हटाएं, चलिए। तो देखिए, अब देखिए, अगर आपको इसकी स्टडी करनी है जनरल, तो कैसे करते हैं सीखिए जरा। एक्स और ये वाई, अब अच्छा इजी रखने के लिए अभी मैं एक्स और वाई में ही बात कर रहा हूं पूरी, ठीक है? अब मान लो पार्टिकल कहीं से भी चला, यहां से ये चला और यहां पर पहुंच गया। इस समय मान लीजिए वेलोसिटी इधर है इसका, और एक्सीलरेशन हम मान लीजिए इधर है, मान लीजिए, ठीक है?
अब और यहां पर यहां तक पहुंचते पहुंचते आराम से देख लीजिए, ये हो गया x और ये हो गया y, और मान लीजिए यहां पर इसका एंगल, यहां से ये एंगल मान लीजिए थीटा 2 कह देता हूं, इसको कह देता हूं थीटा 1। और अब मुझे सभी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने हैं इस मोशन के लिए, तो अब आसानी से लिख ले जाओगे, सब बता चुके हैं, एक बार और बता रहे आखिरी बार। तो पहले दो डायग्राम बना लो ये, ठीक है। तो देखिए ये मान लीजिए एक्सीलरेशन का डायग्राम है, कुछ भी बना लो पहले, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस मोमेंट पे ए इधर है और यहां से जो एंगल है वो कितना है थीटा 2। तो अब ए के एक्स और वाई में कंपोनेंट कर दीजिए, उस मोशन को प्रॉपरली विजुलाइज करना है, तो ये कंपोनेंट आ जाएगा बच्चों ए साइन थीटा 2, और ये कंपोनेंट आ जाएगा ए कॉस थीटा 2। इसी तरीके से यहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी इधर थी, और यहां से ये जो एंगल था ये था थीटा 1, तो ये कंपोनेंट आ जाएगा वी कॉस थीटा 1, और इधर आ जाएगा वी साइन थीटा 1। क्लियर हुआ? अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने, इस पॉइंट का ये यहां से कितना था एक्स और ये कितना था बताइए वाई। क्लियर हुआ? तो यहां पे पहली इक्वेशन बताइए क्या लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी वी साइन थीटा 1, वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस ये लिखी जाएगी डी एक्स बाई डी टी। सेकेंड इक्वेशन वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, वैसे प्रैक्टिस करा दी थी फिर एक बार करा रहे हैं, ये आ जाएगी डी वाई बाई डी टी। थर्ड इक्वेशन बताइए एक्सीलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस ए साइन थीटा 2, तो इसको आप लिखेंगे डी अपॉन डी टी ऑफ वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस ये कितनी है वी साइन थीटा 1। इसी तरीके से एक्सीलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस ये आ जाएगा ए कॉस थीटा 2, तो ये आ जाएगा डी अपॉन डी टी ऑफ बताइए तो डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस तो ये आ जाएगा वी कॉस थीटा 1। इस तरह से आएगा, इस तरीके से आ जाएगा ये। इस मोमेंट पर इस मोशन के मैंने क्या लिख दिए, सभी डिफरेंशियल इक्वेशंस लिख दिए। तो अब आपको बात क्लियर हो गई कि एक 2D मोशन को प्रॉपरली विजुलाइज करने के लिए हम उसके दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में क्या कर लेते हैं, कंपोनेंट कर लेते हैं। तो पार्टिकल भले ही 2D में मूव करे, लेकिन ये जो मोशन है इसका यहां से यहां तक, तो ये मोशन यहां से क्या हो गया अलोंग द एक्स एक्सिस और ये हो गया अलोंग द वाई एक्सिस। तो देखिए अगर ये जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है यहां से यहां तक ये एस वेक्टर, तो एस वेक्टर को हम क्या लिख देते बताइए, ये लिख देते एस वेक्टर प्लस वाई वेक्टर। तो असल में इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैंने ये वेक्टर और ये वेक्टर में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ये वेक्टर और ये वेक्टर में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये वेक्टर और ये वेक्टर में मैंने ब्रेक कर दिया इसको। ठीक है, क्लियर? चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसमें, देखिए एकदम आसान आ जाएंगे अब आपके लिए चीजें, ध्यान से देखना। अ पार्टिकल मूव्स इन 2D सच दैट इट्स पोजीशन डिपेंड्स ऑन टाइम। अब देखिए बहुत आसानी से क्लियर होने वाला है, एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है और वाई इक्वल टू ये दिया हुआ है, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सीलेशन एट इक्वल टू 2 सेकेंड। अब देखिए आप एक्स और वाई दोनों वेरी कर रहे हैं, तो मोशन 2 डायमेंशन में है, लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो देखिए मोशन कुछ ऐसा रहा होगा, लिखता हूं सॉल्यूशन, ये एक्स और ये वाई। तो मान लो किसी भी रास्ते पर पार्टिकल चला, किसी भी रास्ते पर, मान लो यहां पर आ गया, तो ध्यान से देखिए, तो ये जो इस समय एक्स है और इस समय ये जो वाई है, एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है बताइए, 4t² + 2t + 3 दिया हुआ है, और y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5t + 7 दिया हुआ है। अब वेलोसिटी और एक्सीलेशन पूछे तो खुद बताइए अभी क्या पढ़ाया था, मान लो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी vx आ गई और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी vy आ गई, इसी तरीके से इस डायरेक्शन का एक्सीलेशन ax आ गया और इस डायरेक्शन का ay आ गया। हो सकता है टोटल वेलोसिटी इधर रही होगी और हो सकता है कोई टोटल एक्सीलेशन इधर रहा होगा, वो अलग बात है, लेकिन इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट ax और y डायरेक्शन में कंपोनेंट ay, ऐसे ही वेलोसिटी का x डायरेक्शन में कंपोनेंट vx और y डायरेक्शन में vy।
क्लियर हुआ। अब ये आपको फाइंड आउट करने हैं, तो x आपको दिया हुआ है, तो इससे सीधे सीधे vx, vx क्या पढ़ाया था बताइए, dx by dt, एकदम आसान। vx क्या पढ़ाया था, dx by dt, आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये आ जाएगा 8t plus 2। इसी तरीके से vy क्या आ जाएगा बताइए, dy by dt, और ये आ जाएगा बताइए आपका 5। और किस समय पूछे आपसे t इक्वल टू, किस समय पूछा है बताइए, एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। अगर 2 सेकेंड पर वेलोसिटी पूछी है तो बताइए वी एक्स इक्वल टू टी को 2 पुट कर दो, यह आ जाएगा 16 प्लस 2 बराबर 18 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही वी वाई कितना आ जाएगा बताइए, ये तो कांस्टेंट आ गया तो 5 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए वेलोसिटी वेक्टर कितना आ जाएगा बताइए, वेलोसिटी वेक्टर लिखा जाएगा 18i + 5j। दिस इज योर आंसर, तो दिस इज वेलोसिटी वेक्टर एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। क्लियर हुआ। इसी तरीके से अगर आपको एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो इतना पॉज करके उतारो, फिर मैं यहां पे करता हूं, ठीक है। यहां पे एक्सीलरेशन लिख देता हूं, एक्सीलरेशन एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो देखिए वी एक्स कितना आया था, वी एक्स आपको आ गया बेटा 8t + 2, तो इससे ए एक्स आ जाएगा, सीधे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और ऐसे ही वी वाई कितना दिया हुआ है 5, तो इससे ए वाई आ जाएगा 0, क्योंकि अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हैं तो 0 आ जाता है। तो एक्सीलरेशन जो वेक्टर आ जाएगा ये आ जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो ए वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा 8i कैप। क्लियर हुआ। तो ये आ गया इसका एक्सीलरेशन वेक्टर। अब इसी क्वेश्चन में कई बार एक बात और पूछी जाती है जो यहां पर पूछी नहीं है, देखिए एक बात और पूछी जाती है इसमें, देखिए तो आपसे फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। अगर इसमें एक चीज और पूछ लेते हैं, हम यहां पर लिख देते हैं, इसी में लिख लो जरा, ऑल्सो फाइंड, इसी में हम लिख देते हैं ऑल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड ए वेक्टर एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। मान लो 2 सेकेंड पर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल भी पूछा है, एंगल भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं एंगल, देखो जरा कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिखाते हैं आपको। अब देखिए वी वेक्टर ये आ गया था आपके पास, ये था वी वेक्टर बेटा और ये था ए वेक्टर। तो एंगल जब भी दो वेक्टर के बीच में फाइंड आउट करना होता है, ऐसे मान लीजिए ये यहाँ पे वी वेक्टर है और यहाँ पे ये ए वेक्टर है, और ये मान लो दोनों के बीच का एंगल है। तो जब भी आपको एंगल फाइंड आउट करना हो, दोनों वेक्टर का क्या ले लो, डॉट प्रोडक्ट ले लो। तो बताइए ए डॉट वी आ जाएगा ए का मोड वी का मोड और एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स जो हमको फाइंड आउट करना था। तो बताइए यहां से कॉस थीटा आ जाएगा ए डॉट वी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए वी, ये तो मैग्नीट्यूड को ए लिख सकता हूँ और इसके मैग्नीट्यूड को वी लिख सकता हूँ, ठीक। तो यहाँ से बताइए डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ए क्या है, ए तो सीधे सीधे 8i है, डॉट वी वेक्टर कितना था बताइए 18i + 5j है और डिवाइडेड बाई इसका मोड तो 8 हो जाएगा और इसका मोड हो जाएगा 18 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, ठीक। तो ये cos थीटा इक्वल टू जो आ जाएगा, अब i का डॉट i से लोगे तो यह आ जाएगा 8 × 18 और i डॉट j करोगे तो 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 8 × √18² + 5² दिस इज योर आंसर। क्लियर बेटा, दिस इज योर आंसर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्लियर, चलिए पॉज करके उतार लीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है जब हमको दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। पॉज करके तो आइए अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम आसान है। देखिए अब की बार दिया है द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इन 2D इज
फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट टी इक्वल टू 1 सेकंड। तो कुछ है ही नहीं, देखो बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे, बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। अब कुछ है ही नहीं, देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक। ये अब मान लो पार्टिकल किसी भी रास्ते पे चल रहा है, पर लेकिन इसका जो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, देखो ये वेक्टर यहाँ से आर वेक्टर ये दिया हुआ है। अब मान लो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है यहाँ से वो कितना है एक्स, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है वाई। तो बताइए आर वेक्टर को मैंने क्या समझाया था, क्या लिख सकते हैं बताइए, एक्स आई प्लस वाई जे लिख सकते हैं। जब आप, और ये दिया किसके बराबर है, ये दिया हुआ आपको 2TQ प्लस 4T आई कैप प्लस 3T स्क्वायर प्लस 7J कैप। अब आप इसको कंपेयर कर लो, तो कंपेयर करोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 2TQ प्लस 4T एंड y इक्वल टू आ जाएगा 3T स्क्वायर प्लस 7। अब आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो वेलोसिटी x डायरेक्शन की किसके बराबर होगी, dxy dt आ जाएगा। ये किसके बराबर आ जाएगा बताइए, 6t स्क्वायर प्लस 4। एंड बताइए y डायरेक्शन की वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, dy/dt बराबर कितना आ जाएगा, 6t। इसी तरीके से x डायरेक्शन का एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे dvx/dt, ये कितना आ जाएगा बताइए, 12t। एंड ay कितना आ जाएगा बताइए, dvy/dt एकदम आसान है, बराबर 6 आ जाएगा। अब जिस मोमेंट पर आपसे पूछा है वो सारी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। जैसे पूछा है टी इक्वल टू 1 सेकंड पर, तो वेलोसिटी के लिए टी इक्वल टू 1 सेकंड पुट कर दो, और एक्सीलरेशन के लिए टी इक्वल टू 1 सेकंड पुट कर दो, ठीक। तो यहीं पे कर देता हूँ, ठीक, यहाँ कर देता हूँ इतने में ही, तो देखो यहीं आ जाएगा। तो एट टी इक्वल टू 1 सेकंड, एट टी इक्वल टू 1 सेकंड, बताइए वी वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, या पहले वी एक्स लिख देते हैं, बताइए एट टी इक्वल टू 1 सेकंड पर वी एक्स कितना है, वी एक्स आ जाएगा टी को 1 पुट करोगे तो आ जाएगा 10। एंड वी वाई कितना आ जाएगा, अच्छा वो यूनिट वही है मीटर पर सेकंड, ठीक है, यह आ जाएगा 6। तो बताइए वेलोसिटी वेक्टर कितना आ गया, यह आ जाएगा 10i प्लस 6j। इसी तरीके से ए एक्स कितना आ जाएगा, ए एक्स कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, टी को 1 पुट कर दो। एंड ए वाई कितना है बताइए, 6 है, तो ए वेक्टर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 12y प्लस 6j। क्लियर हुआ, इस तरह से आ जाएगा 12y प्लस 6j कैप, ठीक है। तो ये आपके एक्सीलेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर आ रहे। अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना होगा तो फिर से दोनों का क्या ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक। एंगल फाइंड आउट करना होगा तो डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, एंगल बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, एकदम आसान है। तो ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, देखिए पार्टिकल को चला है कहां से गया, ओरिजिन से, यहां से पार्टिकल चलता है। अब तो चीजें बहुत आसान लगने लग गई होंगी बच्चों, यहां से चलता है, कैसे चलता है, सच दैट इट्स वेलोसिटी अलोंग द वाई डायरेक्शन रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट 2 मीटर पर सेकेंड। तो वाई डायरेक्शन में स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में स्पीड ux इक्वल टू 0 है, दिया नहीं, पर उसका मतलब यही है कि स्टार्ट करता है इस तरह से कि वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है और एक्स डायरेक्शन में नहीं है, लिखा नहीं है पर उसका यही मतलब है, ठीक है। मैंने बोल तो दिया, मैंने तो क्वेश्चन लिखा है, इसमें क्या आफत है। एंड इन एक्स डायरेक्शन इट इज इंपार्टेड एन एक्सीलरेशन, और हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन दिया हुआ, ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल में ए कितना बच्चों, 3t प्लस 2। अब कह रहा फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकंड, 2 सेकंड पर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैं आपको हिंदी में बता दूं, किसी भी तरीके से पार्टिकल चल रहा होगा, मान लो एक्स ये वाई, किसी भी रास्ते पार्टिकल चला, मान लो किसी भी रास्ते पर, अब मान लो यहां पर आ गया किसी भी समय, एक बार ध्यान रखना इस तरीके से जा रहा है, तो ध्यान रखना ये मैं दो जगह बना देता हूं फोटो, इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड हमेशा 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, इस डायरेक्शन में स्पीड हमेशा 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, हमेशा
2 मीटर पर सेकंड ही रही, ध्यान रखना हमेशा 2 मीटर पर सेकंड। और इस डायरेक्शन में रहेगा इसके पास वेलोसिटी जो भी होगी, मान लो वी है, लेकिन ये लगातार बढ़ेगी, क्यों, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन दिया हुआ है कितना, 3t+2। ये है, अब ये हमने आपको बता दिया कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन 2d का है तो हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसके मोशन को दो इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेते हैं, मतलब एक्स एक्सिस में मोशन को अलग से देखेंगे और वाई डायरेक्शन में मोशन को अलग से देखेंगे। मान लीजिए इस तरीके से आ गया एक्स वाई, इसको सॉल्यूशन लिख देते हैं, मान लो पार्टिकल का रास्ता कुछ ऐसा है, जो भी है यहां पहुंच गया, तो इस समय यहां पर वेलोसिटी मान लो वी एक्स, अच्छा वी वाई तो क्लियर है कितनी बताइए, 2, और इधर इसका एक्सीलेशन और दिया हुआ है ए, कितना बताइए इस समय, 3t+2, क्लियर, यहां से ये डिस्टेंस है एक्स और ये डिस्टेंस है वाई, पोजीशन वेक्टर आपसे पूछा है तो पोजीशन वेक्टर होगा बेटा ये, क्लियर हुआ, पोजीशन वेक्टर लिखेंगे कैसे बताइए, अगर आर वेक्टर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे, तो एक तरह से हमको एक तो इसमें वाई फाइंड आउट करना होगा टी इक्वल टू टी पर या टी इक्वल टू सेकंड पर, ठीक है, तो मैं टी इक्वल टी पर फाइंड आउट कर देता हूं, चलो टी इक्वल टू टी, और एक मुझे एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होगा टी इक्वल टू टी पर, बाद में उसमें टी की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 2 सेकंड, दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है, चलिए क्वेश्चन हटा दूं, पूरा सॉल्व कर दें, चलिए पूरा देख लीजिए आराम से। अब देखते हैं पहले मोशन अलोंग वाई एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, अब देखिए वाई एक्सिस में जो मोशन हुआ यहां से हुआ स्टार्ट, टी इक्वल टू जीरो पर, वाई इक्वल टू जीरो से स्पीड कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकंड, जब टी इक्वल टू टी पर यहां आया होगा तो यहां से वाई होगा, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वही रहेगी कितनी, 2 मीटर पर सेकंड, तो सीधे सीधे बताइए वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2t, इक्वेशन नंबर 1, क्लियर हो गया। फिर आप देखेंगे इसका मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, अब देखिए एक्स एक्सिस में क्या मोशन है, ध्यान से देखना, पार्टिकल यहां से चला है टी इक्वल टू जीरो पर, एक्स इक्वल टू जीरो से यू एक्स इक्वल टू जीरो, लेकिन ए दिया हुआ है आपको 3t+2, तो अब हम यहां आ जाते हैं किसी भी टी इक्वल टू टी पर, यहां पर वेलोसिटी मान लो कोई वी एक्स हो गई और ए आपको पता ही है कितना, 3t+2, ये लगातार बढ़ेगी और यहां से एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया, एक्स, वही होता है, अब बताइए ए आपको दिया हुआ है कितना, 3t+2, इसको क्या लिखेंगे बताइए, dvxy dt, ये लिखेंगे, तो पहले वेलोसिटी को टाइम का फंक्शन फाइंड आउट कर लो यहां से, तो यहां से dvx इक्वल टू आ जाता है 3t+2 और dt, उठा के इसको इंटीग्रेट करो भाई, t इक्वल टू जीरो पर इसकी वैल्यू जीरो है तो यहां पे इसको vx कह दो और t इक्वल टू टी कह दो, भाई t इक्वल टू जीरो पर x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी बताइए, ux तो जीरो था ना, ux जीरो है, तो t इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी जीरो और t इक्वल टू टी पर वेलोसिटी vx, ओके, तो ये यहां पर आ जाएगा vx इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करो तो बताइए, ये ओरली कर सकते हैं इसको, 3t² / 2 आएगा, और t का इंटीग्रेशन t² / 2 और 2 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, 2t, ये आ जाएगा, तो vx की ये वैल्यू आ गई। अब आपको x फाइंड आउट करना होगा क्योंकि जो पोजीशन वेक्टर होगा r वेक्टर इक्वल टू, ये क्या लिखेंगे, xi + yj, तो आपको x फाइंड आउट करना होगा, तो इस समय का वेलोसिटी आपको मिल चुका है, अच्छा y आप पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, तो x और फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है, x और फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक, तो x फाइंड आउट कर देता हूं मैं अगले पेज पर कर देता हूं, चलिए, ठीक है, पीछे के पेज पर कर देता हूं, तो देखिए अब आपको vx मिल चुका है, तो एक्चुअली ये आपको मिल चुका है, यहां पर t इक्वल टू जीरो पर ux इक्वल टू जीरो था और a इक्वल टू 3t+2 से पार्टिकल चला,
तो जब t इक्वल टू t पर आए तो यहाँ पर वेलोसिटी वी एक्स आ गई, जिसकी वैल्यू कितनी है बताइए, ये x फाइंड आउट करना है। वी एक्स कितना आ चुका है, वी एक्स है 3t² / 2 + 2t, ये है 3t² / 2 + 2t। ठीक, अब आप वी एक्स इक्वल टू ये मिल गया, तो वी एक्स को लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू आ जाएगा 3t² / 2 + 2t। तो ये आ जाएगा डी एक्स इक्वल टू 3t² / 2 dt + 2t dt, उठा के फिर इंटीग्रेट कर दीजिए आप। जिस समय t इक्वल टू जीरो था तो x इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, जिस समय t इक्वल टू t तो x इक्वल टू x मान लीजिए। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बताइए क्या आएगा, यहाँ से आएगा x, इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2, और क्या आएगा बताइए, t³/3 लिमिट 0 से t प्लस, ये क्या आएगा बताइए 2, और ये आ जाएगा बच्चों t² / 2 लिमिट 0 से t, ये आ जाएगा। तो x इक्वल टू आ जाएगा t³/2 प्लस t², ये x आ गया। ठीक, तो x आपको ये मिल गया, इसको लिख देते हैं t की, लिख दें आगे इसको देख लीजिए आराम से, अगले पेज पर लिख देता हूँ जहाँ पर मैं प्रॉपर कैलकुलेशन कर रहा था, t³/2 + t². ठीक, तो x की जो वैल्यू आ गई तो r वेक्टर जो आ जाएगा ये आ गया t³/2 + t², ये i कैप प्लस y ये लिखा हुआ है कितना 2t j कैप। ठीक, अब आपको t इक्वल टू 2 सेकंड पर फाइंड आउट करना था, t इक्वल टू 2 सेकंड पर, t इक्वल टू 2 सेकंड पर, तो एट t इक्वल टू 2 सेकंड बताइए जो r वेक्टर आ जाएगा, 2 पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 8/2 + 4 i कैप, अब तो सब हटा ही दें, प्लस 2 पुट कर दीजिए 4 j कैप, r वेक्टर आ जाएगा 8i कैप + 4 j कैप। क्लियर, 8i कैप + 4 j कैप, दिस इज पोजिशन वेक्टर एट t इक्वल टू 2 सेकंड। एकदम आसान लगने लगा होगा, बात वही है, कोई भी 2D का क्वेश्चन हो या 3D का क्वेश्चन हो, आप उसको अलोंग द x एक्सिस, अलोंग द y एक्सिस, अलोंग द z एक्सिस रिजोल्व कर लीजिए। अभी तो हम सारे क्वेश्चन 2D के कर रहे हैं, तो x एक्सिस और y एक्सिस में रिजोल्व करके x एक्सिस में मोशन को अलग डिस्कस करो, y एक्सिस में मोशन को अलग डिस्कस करो, और x एक्सिस का मोशन और y एक्सिस का मोशन कंबाइन होके रिजल्टेंट 2D का मोशन बन जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, अ पार्टिकल इज मूविंग इन 2D सच दैट Vx इक्वल टू एंड Vy, अब की बार Vx और Vy दिए हुए, फाइंड द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड V वेक्टर। तो देखिए बहुत आसानी से सॉल्यूशन लिख ले जाऊंगा, देखिए बहुत आसानी से लिख ले जाऊंगा, देखिए ये मान लो x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है 2D में मूव कर रहा है तो वो x और y मान लेते हैं, वैसे दिया भी है, तो मान लो पार्टिकल कैसे भी चल रहा है, मान लो यहाँ है, ये आराम से देखो पार्टिकल यहाँ आ गया, टी इक्वल टू टी पर आ गया, तो जो Vx की वेलोसिटी है, Vx इक्वल टू आपको दिया हुआ कितना 5t² + 7t + 3, आराम से देखते रहिए, और Vy इक्वल टू कितना है 2t³। ठीक, फाइंड द एंगल बिटवीन V वेक्टर एंड A वेक्टर एट t इक्वल टू 1 सेकंड। तो बताइए पहले तो वेलोसिटी वेक्टर देखिए, एट t इक्वल टू 1 सेकंड, ध्यान से देखना, V वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, Vxi कैप + Vy j कैप हो जाएगा, तो V वेक्टर इक्वल टू Vx बताइए कितना आ जाएगा 5t² + 7t + 3 i कैप प्लस ये आ जाएगा 2t³ j कैप। और अगर आपको एक्सीलेशन फाइंड आउट करना है तो इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए dv·dt, तो A वेक्टर आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 10t + 7 i कैप प्लस ये कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 6t² j कैप। और एट t इक्वल टू 1 सेकंड, एट t इक्वल टू 1 सेकंड बताइए V वेक्टर इक्वल टू, आप V की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, 1 पुट करोगे तो 5 आएगा, यहाँ से 7 आएगा, 7 5 12 3 15, तो
ये हो जाएगा बेटा 15 आई कैप प्लस यहाँ पे 1 सेकंड पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2, तो 2 जे कैप, दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर। एंड ए वेक्टर कितना आ जाएगा बताइए, इसमें टी को 1 पुट करो तो ये तो आ जाएगा 17 आई कैप प्लस ये आ जाएगा आपका 6 जे कैप। तो ये दो वेक्टर दिए हुए हैं, अब आपको इनके बीच में क्या फाइंड आउट करना है, एंगल। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए दोनों वेक्टर का क्या ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट, बता चुका हूं। क्रॉस भी ले सकते हैं पर क्रॉस से थोड़ी सी लेंथी आ जाता है, उसकी जरूरत नहीं है, डॉट से करिए आप। ठीक है, इतना उतारिए, यहां पर सॉल्व करें इसको, ऊपर सॉल्व कर दें, यही कर देते हैं। तो मान लीजिए पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा था, कैसे भी मान लीजिए वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है और ए वेक्टर जो भी मान लो पार्टिकल ऐसे जा रहा है, वी वेक्टर ऐसे है और मान लो ए वेक्टर ऐसे है, ये हो जाएगा इन दोनों के बीच का एंगल, यही हो जाएगा। तो देखिए ये ले लेंगे ए डॉट वी इक्वल टू ए वेक्टर का मोड, वी वेक्टर का मोड और कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट वी अपॉन ए वी, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट वी, ए डॉट वी लेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 × 17 प्लस ये आएगा 6 × 2, ठीक, डिवाइडेड बाई अंडर द रूट इसका मोड और इसका मोड, तो आ जाएगा 17 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। जो भी आ जाए सॉल्व कर लेंगे आप, जो भी आ जाए आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, एकदम आसान। चलिए हटाएं, पॉज करके ट्राई करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए भी एक अच्छा सवाल है, अ पार्टिकल लीव्स ओरिजिन विद वेलोसिटी 3i एंड a बराबर दिस मच, व्हेन पार्टिकल रीचेज इट्स मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट व्हाट आर इट्स वेलोसिटी एंड पोजीशन वेक्टर। अब देखिए अब की बार पार्टिकल वेलोसिटी ये दी हुई है जहां से ओरिजिन से चलता है, तो देखिए ये क्वेश्चन हो गया एक तरह से, यहां से जब पार्टिकल चला, ध्यान से देखना, t इक्वल टू जीरो पर x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो दिया हुआ है और पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करता है कितने से, 3 मीटर पर सेकंड से, पर एक्सीलेशन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए a कितना दिया है, a दिया है माइनस आई इधर, तो मतलब इधर तो दिया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक तरह से ए एक्स की वैल्यू ये दी है और ए वाई ये दिया हुआ ऊपर की तरफ, ए वाई इक्वल टू आधा मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये दिया हुआ है, मतलब इस देखा जाए तो x डायरेक्शन में तो रिटार्डेशन है, इधर क्या है एक्सीलरेशन, तो इधर की स्पीड लगातार कम होती जाएगी, क्यों, इधर क्या रिटार्डेशन और इधर की स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी। भाई हमेशा मोशन को दो डायरेक्शन में सोच लीजिए, तो देखिए क्या होगा, ये स्पीड कम होते होते, अच्छा ऊपर भी स्पीड गेन करेगा क्योंकि ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन है, तो इसका मोशन कुछ ऐसा होगा बेटा, इस तरह से कुछ ऐसा जाएगा, तो इस तरह से जब ये जा रहा होगा तो यहां से ये लौटना शुरू कर देगा एक जगह से, तो यही जो लेंथ हो जाएगी ये क्या हो जाएगा, इसका x max हो जाएगा, दिस विल बी द x max, क्योंकि इधर रिटार्डेशन है ना, तो धीमे धीमे वेलोसिटी क्या होती आएगी, कम होते 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 जीरो हो जाएगी, तो यहां पर एक तरह से वी एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो, और वेलोसिटी वी वाई में होगी जो भी निकल के आएगी ये होगी, इस तरह से कुछ होगा। अच्छा इधर रिटार्डेशन है तो जीरो होते 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 फिर उसके बाद क्या बच जाएगा, पलटी मार जाएगा, फिर इधर भाग जाएगा, ठीक है, अगले अभी आगे पढ़ाऊंगा इसकी, ये एक्चुअली किस पाथ पे जा रहा होगा ये भी पढ़ाना बाकी है, आगे आ रहा है, पर इतना अंदाज से बता दिया हमने कि आपने इनिशियल वेलोसिटी इधर दी थी, तो इधर रिटार्डेशन है, इधर एक्सीलरेशन है, तो इधर वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक, जैसे किसी भी समय पे देखोगे आप यहां पर, तो इस तरीके से कुछ हो रहा होगा, इधर इसका वी होगा वी एक्स, ये घट रहा होगा, इधर इसका वी वाई होगा ये बढ़ रहा होगा, और इधर देखो इसके पास इस डायरेक्शन में ए एक्स होगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और इधर ए वाई होगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी,
वन बाई टू होगी, कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो अब आपसे पूछा क्या है, एक तो यही वेलोसिटी पूछी है जिस समय एक्स मैक्सिमम है, और क्या पूछा है, इस समय का पोजीशन वेक्टर पूछा है। तो इसका मतलब आपको इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने होंगे एक्स कॉमा वाई। तो सबसे पहले आप ये फाइंड आउट कर लो कि ये समय कौन सा है टी बराबर टी नॉट, जब इसकी वेलोसिटी यहां पर जीरो हुई है, ठीक है, जब इसकी वेलोसिटी जीरो हुई है। तो मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं और डाटा सब लिखा हुआ है, तो यहीं से सॉल्व कर दूंगा इसको, ठीक है। चलिए तो देखिए एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कब जीरो हुई है, तो आप पहले देख लीजिए मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, कितना आसान है, देखिए मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में मोशन देखिए। अब देखिए टी इक्वल टू जीरो पर एक्स इक्वल टू जीरो से पार्टिकल चला और वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकेंड, और यहां पर पहुंच गया, मान लो ये हो गया इसका एक्स मैक्स, एक्स मैक्स हो गया, इसका मतलब यहां पे वी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, ठीक। अच्छा यही डायरेक्शन आप क्या ले लो, पॉजिटिव ले लो। अच्छा इधर रिटार्डेशन कितने का बताइए, ए एक्स, ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ए एक्स कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड है इसलिए इक्वेशन और मोशन लग जाएंगे। तो आप इक्वेशन यूज कर लो, यहां पर टी इक्वल टू टी तो फाइंड आउट करना है बराबर क्या, तो आप यूज कर लो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो फाइनल जीरो एक्स में लगा दो इसको। टी बराबर क्या ही फाइंड आउट करना है, तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी ए लगा दिया, तो फाइनल तो जीरो, यू एक्स 3 था प्लस ए एक्स नेगेटिव होगा क्योंकि ये डायरेक्शन पॉजिटिव मान लिया, टाइम निकालना है टी, तो टी इक्वल टू आ गया बच्चा 3 सेकंड। इसका मतलब ये टी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, 3 सेकंड आ गई, तो 3 सेकंड पे जाके ये कंपोनेंट जीरो हो गया। अब इतनी देर में चल कितना गया, इतनी देर में चल कितना गया ये फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक, ये फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको हटा दो, चल कितना गया, तो आप लगा दीजिए एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये लगा दीजिए। तो एस एक्स निकालना है जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट कह रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स मैक्स, यू एक्स कितना था 3 और समय कितना लगा 3 सेकंड, प्लस हाफ ए कितना था -1 और 3 का स्क्वायर समय ये लगा है, तो एक्स मैक्स इक्वल टू ये आ गया 9 माइनस ये 9/2, तो ये आ गया बेटा 9/2 बराबर 4.5 मीटर। इसका मतलब ये जो एक्स मैक्स आया इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई बताइए, 4.5 मीटर, दिस इज 4.5 मीटर, दिस इज 4.5 मीटर, ठीक 4.5 मीटर। अब आप वाई डायरेक्शन के मोशन को डिस्कस कर लो, तो मैं यही कर दूंगा, ठीक है बेटा, आप इसको जरा पॉज करके उतार लीजिए, मैं यही डिस्कस कर देता हूँ इसको, ठीक है, यही डिस्कस कर देता हूँ, ठीक, हटाऊ स्क्रीन शॉट ले लो, ये डिस्कस कर देता हूँ। चलिए तो देखिए मोशन अलोंग वाई एक्सिस कितना आसान हो गया, देखिए तो वाई एक्सिस में तो ये था, यहां से चला था टी इक्वल टू जीरो पर वाई इक्वल टू जीरो, और वर्टिकल की वेलोसिटी यू वाई इक्वल टू तो शायद जीरो था, लेकिन इधर ए था, ए वाई था, जो कि वैल्यू आपको दी हुई है कितना, आधा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान लीजिए टी इक्वल टू टी पर या टी इक्वल टू 3 सेकंड पर देखना, अब तो हमको टी इक्वल टू 3 सेकंड पर यह वेलोसिटी मान लो वी वाई हो गई, और यहां से यहां तक ये क्या हो गया, वाई हो गया, ठीक। तो इस डायरेक्शन में भी एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट है, तो यही डायरेक्शन क्या ले लो, पॉजिटिव, तो सीधे सीधे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, तो वी वाई फाइंड आउट करना, यू वाई जीरो था, ए वाई कितना बताइए हाफ, और टी कितना है 3, तो ये जो वी वाई आ गया ये कितना आ गया बताइए, 3/2 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब ये वाई फाइंड आउट करना है, तो ये लिख दो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, सीधे सीधे आ जाएगा, तो वाई इक्वल टू यू वाई जीरो था, हाफ ए वाई कितना है बताइए, वर्टिकल की वेलोसिटी बताइए हाफ, और टी कितना है 3 का स्क्वायर, तो 9 हो गया, तो वाई इक्वल टू आ जाएगा 9/4 मीटर, क्लियर, वाई आ गया 9/4 मीटर।
तो हमने y भी फाइंड आउट कर दिया, ठीक। तो बताइए यहाँ से ये जो y आया, यहाँ से ये जो y आया, ये y कितना आ गया 9/4 मीटर। x लिखा हुआ है तो सब आ गए आपके पास। तो पोजीशन वेक्टर बताइए क्या होगा, ये होगा सीधे एक्स आई प्लस वाई जे। तो r वेक्टर इक्वल टू x कितना बताइए 4.5i प्लस 9/4 जे, ये आ गया, क्लियर हो गया। और v वेक्टर क्या होगा बताइए, बताइए v वेक्टर होगा वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। तो v वेक्टर इक्वल टू वी एक्स तो जीरो है ही, वाई हॉरिजॉन्टल में तो जीरो हो गया और वर्टिकल में 3/2 है, तो इसको कितना लिख देंगे बताइए 3/2 j cap लिखा है, इतना समझ जाओगे। तो वर्टिकल में ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। आगे मैं आपको 2D मोशन की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री समझाऊंगा और डिस्टेंस ट्रेवल बाई द बॉडी इन 2D मोशन, बेहतरीन क्लास होगी, तो उसको हम अगली क्लास में कवर करते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ाई करते रहिए।